एम परिवहन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं और ये ओरिजिनल की तरह ही वैलिड है, यानी कहीं भी चेकिंग में आप इसको शो कर सकते हैं। सरकार इसके लिए पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। सो इस वीडियो में मैं आपको एम परिवहन एप्लीकेशन में वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से एम परिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप इसके कुछ हाइलाइट्स देख सकते हैं। इसमें आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे, जिस लैंग्वेज में आप इसको यूज करना चाहते हैं। इसके बाद कंटिन्यू। सरकार की तरफ से अगर कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो आपको यहां देखने को मिल जाता है। ओके। इसमें आप अपनी वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको साइन इन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप नीचे साइन अप पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कोई भी एक मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसमें आप अपना नेम डालेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप इसमें वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल आरसी क्रिएट करने के लिए आप आरसी डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना आरसी नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। इसको आप ओके करेंगे। आपके सामने आरसी की डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आप नीचे ऐड टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप चेसिस नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स डालेंगे जो आपको आरसी पर मिल जाएंगे, और नीचे आप इंजन नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स डालेंगे, ये भी आपको आरसी पर मिल जाएंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको आरसी की सभी डिटेल्स मिल जाएगी और साथ ही एक क्यूआर कोड मिलेगा। जब भी आपको चेकिंग में आरसी दिखानी हो तो आपको यही क्यूआर कोड स्कैन कराना होगा और इससे आपकी आरसी वेरीफाई हो जाएगी। इसी तरह से वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट करने के लिए आप डीएल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे। आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आप नीचे ऐड टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस डैशबोर्ड में ऐड हो चुका है। ओके। अब आप यहां डैशबोर्ड में देख सकते हैं आरसी और डीएल दोनों ऐड हो चुके हैं। डीएल पर हम क्लिक करेंगे। आपके सामने ड्राइविंग लाइसेंस की सभी डिटेल्स आ जाएगी। इसमें भी आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। चेकिंग में आपको यही क्यूआर कोड स्कैन कराना होता है। यहीं से आप अपनी वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस में कोई करेक्शन कराते हैं, अपडेट कराते हैं, तो आपको यहीं से रिफ्रेश करना होगा, तो वो डिटेल्स यहां पर भी अपडेट हो जाएगी। रिफ्रेश करने के लिए आप इस रिफ्रेश आइकन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। सो इस तरह से एम परिवहन एप्लीकेशन में आप अपना वर्चुअल आरसी और वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं और कहीं भी चेकिंग में आप ये शो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ओरिजिनल के बराबर है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।